नेहा और उसकी छोटी बहन रिया इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। शायद वो किसी से मदद मांगने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उन दोनों के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें घर से भागने पर मजबूर कर दिया, ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। एक महिला अपने दोनों बेटियों के साथ एक हस्ती खेलती जिंदगी बिता रही थी। वो अपने दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम था नेहा और छोटी बेटी रिया। नेहा एक कॉलेज स्टूडेंट थी और रिया क्लास 7 में पढ़ रही थी। नेहा और रिया के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ साल पहले दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। नेहा की माँ एक ऑफिस में काम करती थी। वो रोज ऑफिस जाने से पहले अपनी छोटी बेटी रिया को स्कूल तक छोड़ देती थी और शाम को नेहा कॉलेज से घर लौटते समय अपनी बहन को स्कूल से रिसीव कर लेती थी। नेहा और रिया की मम्मी रात को अक्सर 8 या 8:30 बजे ऑफिस से वापस आती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात नेहा और रिया की माँ को घर आने में बहुत देर हो रही थी। रात के 10 बज गए। आज मम्मी को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? शायद बारिश की वजह से। बारिश को भी अभी आना था। थैंक गॉड मम्मी आ गई। नेहा ने देखा कि उसकी माँ पूरी तरह से भीग चुकी थी। आप तो पूरी तरह से भीग चुके हैं, जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए। आपकी बैग कहाँ है मम्मी? क्या आज आप बैग लेकर नहीं गए थे? नेहा की माँ कोई जवाब ना देते हुए घर के अंदर चली गई। दीदी मुझे भूख लगी है। मम्मी ड्रेस चेंज करने गई है, मम्मी को आने दो फिर एक साथ डिनर करेंगे। लेकिन मम्मी तो उस रूम में सो रही है। क्या? हाँ मैं देख कर आई, मम्मी उस रूम में सो रही है। क्या
मम्मी भीगे कपड़ों में सो गई। मम्मी 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 को तो तेज बुखार है। जल्दी से मम्मी के लिए एक ड्रेस ले आओ। नेहा ने सोचा कि अभी इतनी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, कल सुबह होते ही वो अपने माँ को डॉक्टर के पास ले जाएगी। नेहा जल्दी से अपनी माँ की ड्रेस चेंज कर देती है। रिया 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 मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या हुआ मम्मी? रिया मेरी मदद करो। क्या हुआ मम्मी? मेरी मदद करो बेटी। क्या हुआ मम्मी? मेरे साथ आओ। मम्मी 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 दीदी।
नहीं दी। सुबह नेहा दूसरे कमरे में जाती है ये देखने के लिए कि उसकी माँ की तबीयत कैसी है, लेकिन कमरे में आते ही नेहा चौंक जाती है। नेहा ने देखा कि उसकी माँ कमरे में नहीं थी। नेहा ऊपर के रूम में भी जाके चेक किया, लेकिन उसकी माँ वहाँ पर भी नहीं थी। पूरा घर ढूंढने के बाद भी जब उसकी माँ नहीं मिली, तब नेहा ने अपनी माँ के मोबाइल पर कॉल किया। मम्मी का फोन स्विच ऑफ है, तो क्या मम्मी ऑफिस चली गई हमें बिना बताए? रिया, रिया, उठ जाओ, नहीं तो स्कूल जाने में देर हो जाएगी। मम्मी कहाँ है? मम्मी ऑफिस चली गई। लेकिन मम्मी को तो कल बहुत तेज बुखार था, और मम्मी अकेली क्यों चली गई? मुझे नहीं पता। दीदी, कल रात मुझे एक बहुत ही डरावना सपना आया। ठीक है, बाद में सुनूंगी, तुम अभी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अब इस घर में क्या क्या होता है ये हम पार्ट टू में देखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।